सो हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रशांत दोस्ती एंड मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँ कि आप कैसे इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो, एक अच्छी ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो। वेल, ये टॉपिक तो बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैंने इस टॉपिक को 6 हैक्स 6 टिप्स में कवर किया है, जिससे आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी स्टेप बाई स्टेप। सो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा तब ताकि आपको इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कौन होता है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वो होता है जिसके पास इंस्टाग्राम पे एक अच्छा ऑडियंस बेस होता है, एक अच्छा फॉलोअर बेस होता है, और वो किसी पर्टिकुलर निश पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर अपना कंटेंट क्रिएट करता है। तो आपको अगर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना है तो आपको सबसे पहले अपनी एक निश डिसाइड करनी पड़ेगी, और निश मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, जिस कैटेगरी जिस निश में आप अपने कॉन्टेंट को बना रहे हो, आप अपनी पोस्ट को, आप अपने वीडियोज़ को बना रहे हो। ऑलराइट, तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने का पहला हैक है कि क्रिएट अट्रैक्टिव प्रोफाइल बियो। जी हाँ, आपका प्रोफाइल भी जितना अट्रैक्टिव होगा आप उतना ही ज़्यादा ऑडियंस को आप अट्रैक्ट करोगे, उतनी ज़्यादा ऑडियंस को आप उतनी ज़्यादा फॉलोअर्स को आप गेन कर सकोगे। तो अट्रैक्टिव व्यू बनाने के लिए आपको अपने व्यू पे अब अपना ईमेल आईडी आपको डालना ज़रूरी है, आपको यूआरएल, अगर आपका कोई यूआरएल है, अगर आपका कोई वेबसाइट है तो आपको उसको डालना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ अगर आप ब्लॉगर हो, स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो, अगर आप कुछ भी हो, तो इन सबको आपको अपने हैश टैग्स में ज़रूर लिखना चाहिए ताकि लोगों को क्लियर हो सके कि आप ये चीज़ कर रहे हो। ऑलराइट, सो जो सेकेंड हैक है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने का, वो है पोस्ट रेगुलरली। जी हाँ, अगर आप रेगुलरली पोस्ट करते हो तो आप ज़रूर लोगों का अटेंशन ग्रैब करोगे, एंड अटेंशन इज़ मनी। आप अगर लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लो इट मीन्स आप पैसा कमा रहे हो। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, आपको रेगुलरली पोस्ट करना है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको डेली मिनिमम 2 पोस्ट तो करना ही करना है, और साथ ही साथ आपको डेली मिनिमम 3 स्टोरीज़ को भी आपको अपलोड करना है। एंड अगर आप वीडियो कंटेंट क्रिएटर हो या इंस्टाग्राम रील्स पर अगर आप वीडियोज़ बनाते हो तो आपको एक या 2 दिन का गैप करके आपको वीडियो भी रेगुलरली पोस्ट करनी चाहिए, तभी आप लोगों का इंगेजमेंट ग्रैब कर पाओगे, लोगों का अटेंशन ग्रैब कर पाओगे, एंड लोग आपको फॉलो कर पाएंगे। जो थर्ड हैक है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने का, वो है टेक गुड फोटोज़। जी हाँ, आप अपनी फोटोज़ को अच्छी तरीके से आप ले सकते हो, आप DSLR कैमरा का यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास DSLR कैमरा नहीं है तो आपने वीडियोज़ को एडिट करके आप डालो। एडिटिंग का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है इसमें, ठीक है। तो आपकी फ़ोटो जितना अट्रैक्टिव रहेंगी लोग उस पर उतना ही लाइक कमेंट करेंगे, एंड अगर लोग उस पर लाइक एंड कमेंट करेंगे तो वो इंस्टाग्राम आपके रीच को ऑटोमेटिकली बढ़ाएगा, ठीक है। पहले बात करते हैं कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। जब भी आप कोई पोस्ट डालते हो तो इंस्टाग्राम उसको आपकी पोस्ट को आपके 10% फॉलोअर्स को सबसे पहले देता है। ऑलराइट, तो अगर उन 10% फॉलोअर्स का अगर लाइक एंड कमेंट अच्छा है उसका उस पोस्ट पे, तो इंस्टाग्राम उसकी रीच बढ़ाता है। तो आप ये देखो कि आपकी पोस्ट अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि लोग उस पर लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करें, ताकि आपको इंस्टाग्राम की अच्छी रीच मिले एंड आपको अच्छे फॉलोअर्स आप गेन कर सकते हो। जो फोर्थ हैक है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने का, वो है यूज़ रिलेवेंट हैशटैग्स। आप जिस भी कैटेगरी में जिस भी निश पे काम कर रहे हो तो आपको रिलेवेंट हैशटैग्स यूज़ करने हैं। आपको हर पोस्ट पे मिनिमम 30 हैशटैग तो ज़रूर यूज़ करने चाहिए, जिससे कि आपकी पोस्ट आप ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके, और अगर ज़्यादा लोग तक आपकी पोस्ट पहुँचेगी तो जो लोग को अच्छा लगेगा वो लोग आपको ज़रूर फॉलो करेंगे। जो फिफ्थ हैक है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने का, वो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बिल्ड हाई इंगेजमेंट रेट। आपको अपनी पोस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट बिल्ड करना है। अगर आपके 1 लाख 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं, अगर आपका इंगेजमेंट अच्छा नहीं है तो आपके अकाउंट की कोई वैल्यू नहीं है, आप ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको अपने इंस्टाग्राम पे अपने अगर इंगेजमेंट अगर आपको अच्छा बिल्ड करना है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप अपने कोई भी पोस्ट डालो और उसके नीचे आप ये लिख सकते हो, डू यू एग्री, येस या नो, टाइप एंड कमेंट ऑल एंड ऑल। एंड आपको पोस्ट पे जितने भी कमेंट्स हैं उन सबको आपको रिप्लाई करना है। एंड जो लास्ट पॉइंट है, वो आपको मिनिमम वीक में एटलीस्ट 1 टाइम आपको लाइव आना है। लाइव आने से क्या, आप अपने ऑडियंस के साथ लाइव इंटरेक्शन करते हो। जब आप लाइव इंटरेक्शन करते हो तब आपको आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट गेन होता है। एंड अच्छा एंगेजमेंट रेट बनाने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि आपने कोई स्टोरी अपलोड की और उसके नीचे आप एक पोल भी दे सकते हो कि डू यू एग्री विद डैट, टैप येस और नो एंड ऑल एंड ऑल, ठीक है। तो आप इस तरह की जब चीज़ें करोगे तभी आपका अच्छा एंगेजमेंट रेट बढ़ेगा, इंस्टाग्राम समझेगा कि आपके कॉन्टेंट में कुछ दम है और आप
की रीच बढ़ाएगा, आपके फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली बढ़ाएगा। एंड सिक्स एंड लास्ट हैक जो है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने का, वो है मेक टैग पोस्ट विथ अदर इंस्टाग्राम अकाउंट। आपको कुछ ऐसी पोस्ट करनी है जो आप अदर इंस्टाग्राम अकाउंट को आपको टैग करना है। आप वो टैग स्टोरीज में भी कर सकते हो, आप न्यूज़ फीड में भी टैग कर सकते हो, आप अपने IGTV में भी उसको दूसरे अकाउंट को टैग कर सकते हो। टैग करने से क्या होता है कि आप जिस इंस्टाग्राम अकाउंट को टैग करोगे तो उनके ऑडियंस आपको देखेगी और आपकी ऑडियंस उनको देखेगी, तो ये एक तरह का एक क्रॉस प्रमोशन हो गया और एक ये विन 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 कंडीशन हो गई दोनों लोगों के लिए। और इस तरह होगा क्या कि आपको उनके फॉलोअर्स आपको फॉलो कर सकते हैं और या आपके फॉलोअर उनको फॉलो कर सकते हैं, तो इस तरह का क्रॉस प्रमोशन है। आप जरूर इस चीज़ को ट्राई करिए। तो गाइज ये है 6 हैक्स जिसका यूज़ करके आप अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो। तो अगर आपने इन हैक्स को सही से यूज़ किया तो आप 3 से 4 महीने में आप अपने 10K से 15K फॉलोअर्स आप आराम से कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, आपका एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। और साथ ही साथ वीडियो में अपना कमेंट करिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट में बताइए, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।